एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएस मद तथा जीओवी मद का वेतन। वीडियो को चालू करने से पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दे, नोटिफिकेशन ताकि ऑन कर दे। शिक्षा विभाग वेतन अपडेट आवंटन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट अपडेट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है लगभग 3800 जिला का वेतन अपडेट और आवंटन संबंधित जानकारी। तो आइए चालू करते हैं वीडियो। से पूर्वी चंपारण जिला से मेरी जानकारी के अनुसार आज नियमित शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ है और नियोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान से संबंधित सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है, लेकिन भुगतान कल होने की प्रबल संभावना है। वहीं मुंगेर जिला से मिली जानकारी के अनुसार एसएस मद से माह दिसंबर 1 माह का भुगतान कल होगा, विपत्र तैयार कराया जा रहा है और माह जनवरी और फरवरी 2 माह का भुगतान होली बाद 15% वृद्धि के साथ होगा। वहीं गया जिला से मिली जानकारी के अनुसार एसएस मद से वेतन पाने वाले शिक्षकों का भुगतान कल होने की प्रबल संभावना है। वहीं सुपौल जिला से मिली जानकारी के अनुसार जीओवी मद से वेतन पाने वाले शिक्षकों का आज भुगतान हो गया है, पर एसएस मद से वेतन पाने वाले शिक्षकों का भुगतान कराने का प्रयास कल होगा। बांका जिला से मिली जानकारी के अनुसार 4 माह का भुगतान नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 4 माह का भुगतान एक साथ तथा अंतर राशि का भी भुगतान कल हो जाएगा। वहीं पटना जिला से मिली जानकारी के अनुसार राशि ट्रांसफर कराने में आज समय खत्म हो गया है, कल वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। वहीं भागलपुर जिला से मिली जानकारी के अनुसार एसएस मद का भुगतान आज नहीं होगा, कल भुगतान होगा। वहीं जमुई जिला से मिली जानकारी के अनुसार जीओवी मद का भुगतान आज हो गया है और एसएस मद से कल भुगतान कराने का प्रयास किया जाएगा, सभी संघीय इसके लिए प्रयासरत हैं। और वहीं सीतामढ़ी जिला से मिली जानकारी के अनुसार एसएस मद से 3 माह का दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 माह का भुगतान एक मुश्त होने वाला था, लेकिन आज किसी कारणवश नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी संघीय पदाधिकारी आज भुगतान कराने के लिए प्रयासरत है। वेतन भुगतान से संबंधित सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई है, कल इसका भुगतान निश्चित रूप से एक साथ 3 माह का हो जाएगा। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें वेतन अपडेट आवंटन और शिक्षा विभाग से तमाम अपडेट पाने के लिए।